एसएससी जीडी के मॉक सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मॉक 4 का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले का 3 मॉक अवेलेबल है आपका प्लेलिस्ट के फॉर्म में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले जो है एक और सीरीज था जो है, जिसमें हमने 75 मॉक का डिस्कशन किया था, वो भी अवेलेबल है, वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे डिस्कशन की। तो पहला क्वेश्चन में है कि 196 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए, मतलब परफेक्ट क्यूब बनाना है 196 को। 196 होता क्या है? ये तो 14 का स्क्वायर है, तो ऐसा लग रहा है कि 196 को जब हम 14 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 का क्यूब। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे गुणा करने पर परफेक्ट क्यूब बनेगा वो क्या है, 14। और ये सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है -2 1/3, इसको 7/3 से डिवाइड करना है, फिर 2/7 से गुणा करना है। तो 3 × 6 = 7, ये तो हो गया -7/3, यहाँ पे आ जाएगा 3/7, और यह है आपका 2/7। ये गया 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 आ गया -2/7। इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/2। अब -7/2 ऑप्शन है आपका, है -3/2, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि कौन 99 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है, अच्छा 99 का मतलब होगा 9 और 11। तो पहले हम देख लेते हैं 9 से सब डिविजिबल है कि नहीं, फिर 11 से देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है 2707056, यहाँ पर कितना है, 6 5 11 7 18 और 9 27, ऐड करने पर 27 आ रहा है, 9 से कट रहा है। दूसरा है आपका 2703459, ऐड कीजिए, 9 2 18 18 3 21 21 7 28 28 2 30, ये 30 आ रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है। तो जो 9 से ही नहीं कट रहा है वो 11 से कैसे, मतलब वो 99 से कैसे कटे। तो सही आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अभी देखेंगे 4। देखिए देखिए कितनी आसानी से हो रहा है सब। एसएससी जीडी टेस्ट बुक का मौका है, और आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट बुक से बहुत रेलिवेंट चीज़ें बनाता है, ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ें नहीं बनाता है। अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है। समचतुर्भुज हो गया, जिसको आप रोम्बस भी बोलते हैं। विकर्ण की लंबाई क्या क्या है, एक है आपका 24, और हमें पता है कि ये 12 12 हो जाएगा, क्योंकि जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक तो परपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। फिर 10 है तो ये 5 और 5 हो गया, 12 है 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है, 13 हो जाएगा, है ना, साइड 13 आ गया। हमें क्या चाहिए, इसका परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा भैया, ये तो होता है 4a 4 × 13 52, तो 52 आ रहा है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला जो 5 घन है उसको मिला के एक घन घनाभ बनाया गया है। अभी इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है उसको रंगना है, रंगने में खर्चा कितना आएगा। तो ऐसे करके पहले एक क्या था, एक घन था, ये घन हो गया जिसका भुजा का लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब ऐसा ऐसा क्या किया गया है, 5 लाया गया है, ठीक है। तो जब 5 को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो जो लंबाई है वो 5 × 10 = 50 हो जाएगा ना, 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2lb/bh/lh, यही होता है ना, जिसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो 2, ये आ गया 500, ये आ गया 100 और ये आ गया 500, तो कितना आ जाएगा, 5 11 1100 और 2 2200 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2200 तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, हमें क्या निकालना है, खर्चा कितना होगा। तो खर्चा कैसे आएगा, 2200 को 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 है, तो 22 10 से 5 है 10 है ना, तो 22000 इतना पैसे आ गए, तो 220 रुपये आ जाएगा। तो 220 रुपये मतलब सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो था क्वेश्चन नंबर 5। अभी 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक व्यक्ति जो 140 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करता है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 140 जरा 3.5
मतलब 3 पूर्णांक 1/2, 7/2 आ गया ना, तो 7 से 20 बार में यह आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर बोला है कि अपनी चाल को 5 किलोमीटर कम कर देता है, तो जो नया चाल है ये हो जाएगा 35 किलोमीटर पर घंटे। तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, देखिए 140 किलोमीटर जाना है 35 के, तो 35 से तो 4 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए अभी 4 घंटे लग रहे हैं, पहले लग रहे थे 3.5 घंटे, तो समय ज्यादा कितना हो गया। बोलेंगे कि देखो भैया 30 मिनट ज्यादा लगा है ना, 30 मिनट ज्यादा लगा है, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, हो गया 6। अभी बारी है 7 की, तो बहुत ही आसानी से आप SSC GD के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चीजों को सीखिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कोई मूलधन जो है वह साधारण ब्याज की दर से 8 साल में दोगुना हो जाता है, तो अमाउंट हो गया है प्रिंसिपल का दोगुना, मतलब प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है एक ही है, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए 8 साल में कितना हुआ है, बोलेंगे पी हुआ है। अभी बोल रहा है कि 4 गुना चाहिए, 4 गुना अगर अमाउंट कब होगा, तो प्रिंसिपल प्लस 3 पी होना चाहिए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट को 3 पी होना चाहिए, तो 8 साल में पी हुआ है तो 24 साल में 3 पी हो जाएगा, मतलब जो समय होगा वो कितना हो गया, 24 साल। 24 साल तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 7, 8 देखिए, अब 8 में क्या है, तो आपको कैसा लग रहा है सोल्यूशन जरूर बताइए, और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किसी कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात जो है 2:3 है, 2 है इधर, क्या है 3 है। फिर 3 लड़के जो है छोड़ देते हैं और 3 लड़कियां ज्वाइन कर लेती हैं, मतलब कि 3 लड़कों ने छोड़ा है और 3 लड़कियों ने ज्वाइन किया है, नया अनुपात कितना है, 3:7, 3:7 हो गया। तो देखिए क्या करना है इसको, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली जो नॉर्मल मेथड है उससे भी कर सकते हैं, पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाते हैं, इन दोनों को गुना किया, इन दोनों को गुना किया, माइनस करना होता है, 7 × 2 = 14 और 3 × 3 = 9, 14 में से 9 हो गया 5 यूनिट, इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 × 3 = 9 और इधर 21, तो 9 माइनस और माइनस का 21 प्लस 21 आ जाएगा, तो 5 का वैल्यू कितना है 30, 1 का वैल्यू कितना हो गया 6, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, मतलब कि हमें चाहिए कि पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो लड़कियों की संख्या पहले थी 18, हो गया। या तो ऐसे कीजिए, नहीं तो क्या करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स का जो वैल्यू है, संख्या है 2x और 3x मान लेंगे। क्वेश्चन में बोला है लड़कों ने 3 छोड़ा है, लड़कियों ने 3 ज्वाइन किया है, और ऐसा करने के बाद क्या आ गया है, नया रेशियो 3:7 आ गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर पुट कर लेंगे आ जाएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग कि 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कि एक जैसे 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं, तो उसी प्रकार के 5 पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। आइए देखिए 4 पाइप जो है कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को अगर हम लिखेंगे तो 1/4 घंटे होते हैं, तो 2 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4 घंटा जो 2 घंटा, मतलब कि 9/4 घंटा, तो 9/4। अभी 5 पाइप मान लेते हैं एन घंटे में करेगा, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 9/5 घंटा। अभी 9/5 घंटे को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 जोड़ 4/5 घंटा आ रहा है, 4/5 घंटा को 60 से गुना करेंगे तो मिनट में कट घट हो जाएगा, तो आ गया 1 घंटा 48 मिनट, यही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से हमने गुना किस लिए किया, क्योंकि घंटे को हमें मिनट में बदलना था, तो हो गया 9। अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका कि 400 का 60% है, 400 का 60% का मतलब 3/5 जोर 280 का k%, मतलब 280 × k/100, वैल्यू कितना दिया है, 296, 296, तो हमें k का वैल्यू बताना है, 5 से कितनी बार में जाएगा, 80 बार में, 240, तो
अगर 28 के बटा 10 का वैल्यू कितना आ गया, 296 में से 240 जाएगा, कितना बचेगा, 56 बचेगा दो बार में, तो k का वैल्यू कितना आ गया है, 20। 20 मतलब सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 10 11 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, इसमें है कि 3600 में बेचता है तो 20% का फायदा होता है, 3150 में बेचने पे कितना का फायदा होगा, 20% का फायदा। इसका मतलब क्या है, 5 के सामान को 6 में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है विक्रय मूल, और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल। 6 का वैल्यू बोला है 3600, 1 का वैल्यू हो जाएगा 600, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, 3000। अभी हमें पता चल गया कि क्या है, कॉस्ट प्राइस है 3000, नया जो सेलिंग प्राइस है जितने में बेच रहा है, ये बोला है 3150 में बेचेंगे, कितने का फायदा हुआ, 150 रुपये का। परसेंटेज फायदा कितना हुआ, 150 का फायदा है 3000 गुना का 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 गया गया, 3 5 15, तो 5% का फायदा होगा। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आया है बी। अभी बारी है 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कि पी और क्यू का जो मासिक आय है वो 5050 है, औसत मासिक है, ये हो गया 50-50। फिर क्यू एंड आर का औसत दिया है 62-50, क्यू प्लस आर बटा 2 करेंगे, ये आ रहा है आपका 62-50। और पी एंड आर का औसत भी दिया है, पी प्लस आर बटा 2, ये कितना है आपका, 5200। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि पी का आय कितना होगा, देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पी जोड़ क्यू जोड़ आर आ जाएगा, इधर कितना आएगा, 50 एंड 50 100, 2 2 4 1 5, फिर 10 6 16, 165 पे 00, ये आ रहा है पी जोर क्यू जोर आर, कोई दिक्कत नहीं, 5 5 10 4 1 5 6 5 11 5 16। हाँ ठीक है, अगर हमें चाहिए पी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से पहले हम क्यू जोर आर निकाल लेते हैं, क्यू जोर आर कितना आ जाएगा, 0 5 10 2 2 9 4 1 5 6 2 9 12, 12 5 0 0 आ गया। अभी इन दोनों को माइनस करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा कितना आ गया, 4000, तो पी के जो मासिक आय है वो 4000 है, और सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अगर किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाता है। देखिए अगर एक संख्या एक्स है, एक्स में से अगर आपने 35 घटाया है तो खुद का 80% मतलब 4/5 हो जाता है, यही बात है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 का वैल्यू कितना आ गया, 35 आ गया है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 175। संख्या 175 है, हम इसका 4/5 चाहिए, तो 4/5 एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5 × 175, ये कितनी बार हो जा रहा है, 35 चौके 140, 140 आंसर आ रहा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा यहीं पे सीधे 4 से गुना कर लेते तो आंसर आ जाता, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार टोपी पहनता है एक जोकर, तो टोपी का आयतन निकालना है। ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या है 7 और ऊंचाई कितनी है, 15। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन यही होता है 1/3, 22/7 × 49 × 15, ये 5 बार में और ये 7 बार में, तो 110 को 7 से गुना करेंगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 14 भी हो गया, 15 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, दूध एंड पानी का अनुपात 3:1 है, 3:4 नहीं है, तो पानी की मात्रा बताना है, टोटल कितना हो गया, 4 4 का वैल्यू है 20, 1 का वैल्यू कितना है 5, तो पानी कितना हो गया, 5 लीटर, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 15 हो गया। अभी 16 देखेंगे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लेकिन जीडी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है क्योंकि टेक्स्ट बुक पे हमें भरोसा करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 में है आपका, एक्स का मान बताना है जब 480 का 25% मतलब 1/4 जो 500 का 30% मतलब 500 का 30%, 30 बटा मतलब 3/10 में 30% जो 90 का 1% मतलब 90 1/100 और एक जोड़ के कितना आता है, 900 का 35%, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 गया, 1 और 0 गया, 4 से 120 बार,
120 हो गया और यहाँ से 150 हो गया, 9x/10 हो गया, इधर कितना गया, 5×9=35, 9×5=45, 2704 31। तो 9x/10 का वैल्यू कितना है, ये 270 है, तो 270 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 45 बचेगा, है ना। तो 9×5=45, एक्स का वैल्यू आ गया है 50, 50 है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 भी हो गया, 17 देखेंगे। बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में कि ए बी सी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 20, 30, 60। देखिए ऐसे तो सूत्र है लेकिन टोटल फॉर्म वर्क निकाल लीजिए। 60 हो गया, ए का एफिशिएंसी 3, बी का 2, सी का 1। अभी बताना है कि अगर 3,000 रुपये मिलते हैं तो उनके व्यक्तिगत हिस्से बताएं। तो देखिए अगर तीनों मिलके काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तीनों समान दिन के लिए काम करेंगे। अगर समान दिन के लिए काम करेगा तो पैसे किस अनुपात में बटेंगे, अभी पैसे इफिशियंसी के रेशियो में बटेंगे, है ना। तो ए बी सी पैसे जो है 3:2:1 के हिसाब से बचेंगे। टोटल 6, 6 का वैल्यू कितना दिया है, 3,000। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। मतलब ए को मिला है 1500, इसको मिला है 1000, इसको मिला है 500। तो 1500, 1500 सही उत्तर आ गया है बी। 17 भी डन, 18 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि यदि मोटर बोट अनुप्रवाह गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे और प्रति प्रवाह 11 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब एक्स जोड़ वाई जो है 16 है और एक्स माइनस वाई कितना है, 11 है। हमें बताना है धारा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। y का वैल्यू आ गया 2.5। तो धारा की गति है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, सही उत्तर उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। तो 18 हो गया, अभी बारी है 19 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक फल विक्रेता को 40 केले बेचने पे 60 किलो का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। 40 केला बेचा तो उसे पैसे मिलेंगे 40 का सेलिंग प्राइस, और ये बराबर है 60 किलो का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ SP/CP कितना हो गया, 3/2 कितना हो रहा है, देखिए एक का फायदा हो रहा है ना 2 पे, तो प्रतिशत फायदा कितना होगा, एक का फायदा 2 पे गुना का 100 करेंगे तो 50% हो गया ना। 19 भी हो गया, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अभी बचा है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में है कि 28×4×10 सेंटीमीटर बीमाओं के बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, तो ये तो डायगोनल हो जाता है सीधे, क्या है आपका 28×4×10। यही है ना, 28 का हो जाता है कितना, 784, क्योंकि 29 का होता है 841, ये हो गया 16 और ये हो गया 116, अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 900 आ जाएगा ना, मतलब 30, 30 सेंटीमीटर सबसे लंबी होगी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ इस पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। आप अपने सुझाव जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में, पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए पेपर के सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।